त्योहार की एक एवरी टाइम कुछ ना कुछ अलग मेमोरीज हैं, तो हमारे लिए ईद, दिवाली, नवरात्रि सब एक ही है। तो हम तो मौका ढूंढते हैं सेलिब्रेट करने, हमारे फैमिली में मेमोरीज तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा आता है जब छुट्टी मिलती है और पूरी फैमिली गैदर होती है। तो जब मम्मी खाना बनाती हैं, सब भाई बहन, उस वक्त भाई बहन थे, अभी फैमिली बहुत बड़ी हुई है, तो जितने भी बच्चे हैं वो सब घर पे आते हैं, अब उनके भी दोस्त हो गए हैं तो उनके उनके भी दोस्त घर पे आते हैं, तो एक बहुत बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। इस गाने को फिल्म में आप क्यों नहीं डाल रहे हैं? 6 हफ्ते का इंतजार क्यों किया जा रहा है? ये तो काफी इस कैची सॉन्ग है वैसे। एक ये वर्जन है गाने का और एक दूसरा वर्जन भी शूट किया है फिल्म के हिसाब से। अभी वो नहीं जाएगा क्योंकि जो फिल्म का की जो एंड है बहुत ही खूबसूरत है। जब आप देख लेंगे फिल्म को, उसके बाद जब फिल्म इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, उसके बाद एक नॉवल्टी के हिसाब से वो जो दूसरा जो गाना पिक्चराइज किया है वो हम देखेंगे, सोचेंगे ऑन पब्लिक डिमांड के डालें कि नहीं डालें। वैसे अभी नहीं डालने के रीजन है दो, मेरे फादर और कबीर खान। वो आर्टिकल इन्होंने ही डाला होगा ताकि कंफर्म कर दे, उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हम सब एग्री करते हैं। या सलमान भाई ओवर हियर स्ट्रेट। या सलमान भाई, कुछ अरसे पहले आपने कहा था कि आप खुद को एक एंटरटेनर मानते हैं। ये जो अभी सॉन्ग जो अभी पेश किया गया काफ़ी इंटरटेनिंग सॉन्ग है और आई होप कि काफ़ी इंटरटेन करेगा ऑडियंस को। तो आई होप मतलब आई होप आई एम आई श्योर ये ऑडियंस नहीं है। या आप अपने आप को ऑडियंस से अलग समझते हैं, नो अलग नो, समझते हैं। आई सेड कि जो है ये डिड यू डेफिनेटली एंजॉय द सॉन्ग? या ऑफ कोर्स इट वाज या बिकॉज़ फैंटास्टिक। व्हेन आई हर्ड इट आई एंजॉयड इट मायसेल्फ, सो इफ आई एंजॉयड एंड यू एंजॉयड इट, सर आधी आधी पॉपुलेशन तो यहीं पे हो गई सर, या दो में फाइन 50-50%, 100% हो गया। ग्रेट और ग्रेट। जिन जिन ने ये गाना नहीं एंजॉय किया है हाथ उठाइए। सर मिक्का पाजी ने मेरा गाना चुराया है तो ये शोर शॉट हिट है सर। मैंने बहुत कोशिश की, इस बार फिर से बहुत कोशिश की कि ये गाना मैं गा लूं। आपने प्रॉमिस ही किया था कि अगेन नहीं करेंगे? ही अगेन बीट मी टू इट। अच्छा सो सर, इवन लास्ट टाइम जुम्मे की रात भाई ने बहुत अच्छा गाया था और मैंने भाई को बोला था आप अपनी आवाज में निकालना, बहुत कमाल गाया। तो मुझे याद है, तो मैं जकार्ता मलेशिया में बैठा था, तो इनका रात को 12:30 बजे कॉल आता है, तो सच कह रहा ना कि मैंने अच्छा गाया। हाँ भाई आपने अच्छा गाया। अच्छा इसको दोबारा से सुनो और गाना रिकॉर्ड करके भेज। नहीं, ही कॉल्ड मी अपन हैंगओवर, तेरे भाई बहुत अच्छा गाना गाया आपने हैंगओवर। ऐसे ही एक और भी गाया है मैंने। इसे कौन सा? ऐसे जुम्मे की रात है पैनिक। उसके पहले 3 दिन पहले मैं ट्वीट कर चुका था कि मेरा गाना आ रहा है सुपर हिट गाना, सुपर हिट। उसके बाद भाई ने जो मुझे 3 दिन टेंशन दी और मैंने भूषण को लेके सबको कॉल कर रहा हूँ, यार क्या हो गया, मेरा गाना निकाल दे, क्या बात, कोई कोई में से गलती होगी? बोलते नहीं यार तेरा गाना आ रहा। मैं क्या, नहीं, भाई ने बोला कि नहीं अभी रुक जा, ट्वीट मत करना अभी। ओके सलमान भाई, बात करें आपकी पिक्चर इस बजरंगी भाईजान की, इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज लिए हुए है, सो हम कह सकते हैं कि क्या आपका नज़रिया काफ़ी फिलोसफिक होता जा रहा है? ये कौन सा क्वेश्चन है यार, बोरिंग सा। इंटरटेनिंग फिल्म है, हमारी फिल्म को डुबाओ मत तुम। सोशल सोशल मैसेज, और ऐसा लग रहा है कि कोई हम कुछ पकाओ कोई फिल्म बना रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल नोबल फिल्म यार। वो जो हमारा जो एक आता है अभी, हर हर फिल्म के अंदर रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन होता है ना, इसमें भी वही सब है, लेकिन इसका बैकड्रॉप जो है वो बहुत लार्जर देन लाइफ है और पॉजिटिव पॉजिटिविटी बहुत है इस फिल्म के अंदर, समझे आप? आई मीन बजरंगी भाईजान ही आपको एकता की फीलिंग देता है कि नहीं देता है ना? नहीं, नहीं देता आपको?
Hi, Pritam, sir, this is Faridun from Bollywood Hangama. Sir, actually, Mr. Khan recently told me in an interview that he is dying to sing a song for Bajrangi Bhaijaan, but you haven't given the entire album to him. So could you please tell us that which song Mr. Khan will be singing? This is the song. You're singing? Are you singing? This is the song and the selfie song also. You'll be singing that? So when will that be out, sir? Are they not letting me sing it? No, I was ready to go to Karjat also. he was not allowing me to go. How is he ready to go to Karjat? He's not given us our final tracks. And he's going to come there and teach me the song and make me sing it before giving us our master. It's a dada log hai in log. Boss, Mike is there now with you. He's saying, when is it going to happen now? Is it going to happen now? Mike chin liya uske. Mr. Khan, sir, straight up here. This question is, of course, taking a cue from what you said a few minutes back, that the title of the film gives a sense of unity. But there are certain religious groups which are kind of opposing it. They are not happy with it. Does it bother you? It doesn't bother me at all, because I don't think that any religious group will do something like this. Because if they are a religious group, so this is the basic thing that they know, that every religion respects the other person's religion. Aap dekho, in Bandra ke andar, Bombay ke andar, aap jahan pe bhi jaoge, Maulanas will be sitting at every Ganesh Visarjan. Har Ganpati ke upar, you know, people will be there. Understand? So it's a, today we are on a different league altogether. I don't think that any religious group, no chance, can ever do something like this, because every religion preaches only one thing, to follow your religion and to be respectful and to respect the other person and the other person's beliefs and religion. Hai na? So who are these people who are protesting? So then how can any, I don't think anyone can protest on this. If you're saying religious groups are doing that, there's no chance. Don't malign them, please. No, you can't say this. You can't do all this. Yeah, please, yeah. ऐसा लगता है आपको कि कोई religious group कुछ बोलेगा on such on peace? Islam means peace. Islam means peace. So what are they protesting against? That a Hindu name cannot be combined with a Muslim endowment. Is there any logic in that? So should we even spend 2 seconds discussing that? The whole point of the title is that this is the greatness of India. So we should not even waste time on, you know, fringe elements. I don't believe. Ye galat information leke aaye. That's what I'm saying. They're definitely not religious organization. They're just some. Tell me one person who believes that this could be a religious thing who's taking objection. No. Does anyone? Raise your hand. Are you saying that any religious group would go against peace, against harmony, as in Hindu, Muslim, bhai bhai, living together? So, isko to negate kar diya unhone. Correct? Salman, I'd like to ask you. Just one second. There's a lady somewhere. I don't know where. Actually. Here. Oh, there, right there. You guys yes, have launched ma'am. A song today, and there was a song that was launched last time, which was a Qawwali. Where has that reached, where the Sabri brothers are opposing that over copyright issues? Not the Sabri brothers. They've deceased. These are somebody from their family, and if there is any issue, this is a traditional Qawwali which was made famous by the Sabri brothers, the late Sabri brothers, and this is a Qawwali that both Salman and I have heard since our childhood and loved, and this is our rendition of that Qawwali. And if there is any legality issue, I'm sure we'll look after that. I don't think, Kabir. Sabri brothers, you know, this Qawwali we've heard since we were children, and I think it's the most beautiful Qawwali. And I don't think the people who sung this Qawwali and written this Qawwali, their family people will do something like this. No. They'll want it to go on and on and on and on. I don't think so. I don't believe what you're saying at all. At all. Yeah. I mean, it's like you saying that later on my grandchildren, you know, will disrespect being human. Yeah, Salman.
सलमान, आपकी और करीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हमेशा पसंद किया जाता है, तो इस बार नई ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस सर आपने रिक्रिएट किया? सर, देयर इज नो केमिस्ट्री ओनली सर, दैट्स व्हाई कॉलिंग अ बेंजी इन द फिल्म। हाय कबीर, सलमान। अरे सर पूछो ना, क्या पूछ रहे थे? पूछिए सर, क्या पूछ रहे थे? इस बार आपने नई ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस तरह से रिक्रिएट किया? सर जब मैं परफॉर्म करता था ना, तो मैं भूल जाता था कि उनके नाम के आगे खान लगा है, उनके नाम के आगे खान है। जैसे शॉट खत्म होता था तो वो खान वापस लगा देता था मैं। सलमान, करीना जब आपको रोमांस कर रही थी, करीना को किसकी याद आ रही थी? Now you can't insult me like this, man. Now you can't do this. हमारे गाने के फंक्शन, मेरी पार्टी, आज की पार्टी मेरी तरफ से, और आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं, ये क्या हुआ आपको? किसकी याद आ रही थी मतलब? चलो मेरे सामने होंगी, मेरी ही याद आएगी, और किसकी याद आएगी? आपको किसकी आ रही थी? मुझे एक्चुअली सैफ की याद थी, सैफ की याद आ रही थी। हाय कबीर, सलमान, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अभी वन वीक पहले ही मैं कश्मीर जाकर आई हूँ, और जो हमारा ड्राइवर था वो स्पेशली मुझे पालगांव जब हम गए वो हमें वहाँ ले गया कि यहाँ पर भाईजान की शूटिंग हुई है, उस दरगाह में ले गए, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। तो क्या कहेंगे आप? और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सलमान के फैन हैं। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट ये एक मेन रीज़न था कि हम चाहते थे कि एक हम लंबा 40 दिन का शेड्यूल कश्मीर में करें, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री से लोग कहते हैं ये कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम है। कुछ स्पोराटिक इंसिडेंट्स के हेडलाइंस पढ़ के समझते हैं कि कश्मीर जल रहा है अभी तक। जब तक हम वापस नहीं जाएंगे, वो नॉर्मल सी वापस नहीं आएगी, तो एक सलमान खान वहाँ जाके 40 दिन शूट कर सकते हैं, देन इट्स अ सिग्नल दैट कोई भी शूट कर सकता है वहाँ। एंड आई होप इस शूटिंग के बाद और फिल्में जाएं, फिल्म देखने के बाद और प्रोड्यूसर्स वहां पे जाएं, और स्टार्स वहां पे जाएं, क्योंकि जिस किस्म का सपोर्ट कश्मीर के लोगों ने हमें दिया वो हमें और कहीं नहीं मिला था। इट वाज अनबिलीवेबल। सलमान, आप आई थिंक गए ही हम वहां पे इसलिए थे ताकि वहां का जो एक टूरिज्म खुल जाए, एक जो एक मिथ है कश्मीर के बारे में जो एक बोला जाता है कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की है बताने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो उसने एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डाला है कश्मीर के ऊपर। आपने बोला कि बाढ़ हो रही है वहाँ पर, शूट आउट्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो एक आध जगह पर वो पिछली बार हुआ था, लेकिन उससे टूरिज्म बहुत इफेक्ट हुआ है। तो जो आप अच्छाई करने गए वो बैकफायर हुआ है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी। तो हम गए थे इसलिए, हमको भी ऐसा लगा था कि क्या होगा वहाँ पर, लेकिन जब वहाँ पर गए थे तो बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी। तो हम गए थे इसलिए, हमको भी ऐसा लगा था कि क्या होगा वहाँ पर, लेकिन जब वहाँ पर गए थे तो बहुत ही
भाई रहता आपका, अगर आपके भाई के मतलब लेकिन इसके लिए तस्वीर दीजिए, आई लव टू आस्क माय फादर, आई कांट मेक, ही नोज मी वेरी वेल, आई कीप टॉकिंग टू हिम फॉर माय आर्टिकल. नो आई वाज आस्किंग यू सलमान की व्हाई इज इट कि बड़ी बड़ी लड़कियों से आपकी नहीं पट पाती है. आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन. बड़ी बड़ी लड़कियों से नहीं पट पाती मतलब कितनी बड़ी? नाम लेके बात करो ना, नाम लो ना प्लीज. She's shying away from her own question. अरे नाम लो ना, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात. सलमान हाय, दिस इज सोहेल. आई जस्ट नीडेड टू आस्क, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम के कोई हीरो ने हीरोइन को बहन जी कहा होगा. इनफैक्ट हाउ डिफिकल्ट वाज टू टेल दिस पर्टिकुलर, और ये हाउ डिड इट रियली स्टार्ट, एंड करीना हाउ डिड यू टेक दिस पर्टिकुलर? इट वाज वेरी इजी. Thanks a lot, Kareena. You've got to have a comeback to this. Yeah, the same thing. You need to ask. दिल पे पत्थर रखकर मुझे कसम खुदा की जब वो आता था बहनजी, किस एंगल से बहनजी लग रही हैं यार? अब तो नहीं लग रही हूँ, definitely. Not right now. वो सोच भी नहीं लग रही. Kareena, my question. कभी बहनजी नहीं लगी. Kareena, one second. We'll just go with her question. को आप हो. हाय करीना, ऑलराइट, देयर इज अनदर क्वेश्चन. मिस्टर नंदू, माय क्वेश्चन इज टू यू. वन सेकंड, देयर इज अ लेडी हु हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अ क्वेश्चन. वी विल कम टू योर क्वेश्चन. करीना, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. यू वर्क विद ऑल द खान, ऑल द फोर खान, सो वर्किंग विद व्हिच खान वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू? व्हिचएवर खान माय नेक्स्ट रिलीज इज विद, ही इज द बेस्ट. फैब, ओके, बजरंगी भाईजान. करीना, इंटरेस्टिंगली बहुत ये तो कमाल है. ये तो ना मम्मी के सामने who's better, मम्मी या डैडी? मम्मी. डैडी के सामने who's better, डैडी या मम्मी? डैडी. सिंपल सा जवाब. सलमान, करीना, यू नो यू ऑब्वियसली Do
I think if we all like peace and we want to live in harmony, I think this film will be the best film ever for that. Yeah, definitely. Salman, idhar. Can we have my question to you, Salman? Mr. Nandu. Hi, Kareena. I'm sorry. मायापुरी में अरे कहीं ना कहीं आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है सर 100-100 का सर बहुत गड़बड़ है इसमें कुछ जीरो और डालने पड़ेंगे तो ये सर जो मेरा एक नजरिया है फिल्में करने का कि जब भी मैं कोई फिल्म करूं मुझे वो कैरेक्टर इतना अच्छा लगना चाहिए कि जब मैं उस फिल्म से निकलूं So I have to be more that character than be me. And my thing is, people say कि हम सलमान खान को follow कर रहे हैं। ऐसे सलमान खान को मत follow करो, सलमान खान की जो image है film की, उसे follow करो, because that is far ahead, जो being human की है और जो फिल्मों की image है। ये थोड़ा सा ये lot है ना सामने का मायापुरी है, थोड़ा सा उसमें दे देते हैं थोड़ा सा एक दो चिन लेकिन आपने अगर देखा होगा अगर सलमान की कोई फिल्म होती है तो उसमें जो दर्शक हैं आपके जो आपके फैंस हैं वो करीना से भी ये सवाल हुआ था कि ना तो वो स्टोरी देखते ना ही वो आपके को आर्टिस्ट देखते सिर्फ सलमान को देखते हैं नहीं सर ये ट्रू नहीं है सर जो भी स्टोरीज हमने की हैं जो कि हमको अच्छी लगती है वही हम करते हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती वो हम नहीं करते हैं तो अगर मुझे अच्छी लगी है तो जाहिर है एज अ फिल्म गोअर वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्तों मेरे फैंस को भी अच्छी लगी Hi, Kareena. Interestingly, obviously you guys are together in this movie, but interestingly also, Shuddhi was offered to you and to him, which now is being done by Varun and Alia. He has given his blessings on Twitter to Varun and with you, so which I think he said also that he was very happy about. Salman mentioned. What about you? So I threw him out of the film. Why are you out of the film? I left it because Hrithik was in the film first. He didn't do it then. Then when I said yes. I wasn't in the movie. You were not there in the movie? So basically, it could have been possible if both of you knew you all are going to be approached for the movie. Yes, Thank you. The fireworks will be people from Diwali. Yes, there's a gentleman over there. He started his question. एक मिनट आप पूछ चुके हैं एक मिनट सलमान भाई आपको ये बच्ची कहाँ मिलती है और आपको आप इसको पाकिस्तान छोड़ने की जिम्मेदारी क्यों लेते हो सर क्योंकि सर 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 क्योंकि आपको नहीं मिली और आपने जिम्मेदारी नहीं ली इसलिए सर सलमान करीना मेरा क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर राइट करीना मेरा क्वेश्चन आपसे है आपने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि कभी आपने सलमान को योगा करते हुए नहीं देखा है और योगा डे आ रहा है तो अभी कर लेते तो अभी तो क्या आप बजरंगी भाईजान के सेट पे सलमान योगा करते थे कि नहीं कुछ बताएंगी सूर्य नमस्कार आपका नाम क्या है कान्या कौन से पब्लिकेशन से हैं आप सलमान के बाद मेरा मन चाह रहा है कि मैं सलमान क्वेश्चन
there's a lady here who's been wanting to ask Salman, a question. The last Salman, question. Salman ko sabse zyada dar kisse lagta hai? Salman ko sabse zyada dar kisse lagta hai? Salman this side. No, it is so sweet of them. I absolutely loved what they did for me, and lots of respect and lots of love. We need one question from here, please. Yeah, okay, one second. I think that side has got an ample opportunity. Hold on, guys. You can't scream out your questions. There are other people who are already in line. Yes, the girl here. I've been doing that for the longest, you know, for the longest time. But the fact that we're getting this kind of, you know, coverage, you know, for Bajrangi Bhaijaan, it is because of Shah Rukh and Aamir. It's because they were the ones who released the, you know, the poster first, no, the first look. So, I mean, we've got those many eyeballs and, you know, that much of, extra interest is because of my two buddy brothers. Nawaz, jab hum log okay, there's a girl there in the purple. Yes, Salman. Okay. Nawaz over here. Nawaz, jab. Salman, ye sawal. Right now, people cannot afford. Right now, people cannot afford one. One in two films. You want three in one film. Yeah, like maybe like one jalak there. Okay, Nawaz, we would love to do questions. We would love to. We would love to do a film together. That's for sure. Salman ko sabse zyada dar kisse lagta hai kya? कब से क्यों इसी सवाल पे कब से कब से अरे कब से इग्नोर कहाँ हैं आप कब से इग्नोर किए जा रहे हैं हम आपको और आप पूछे ही जा रही फिर पूछे ही जा रही नवाज towards your right नवाज when we met Sol started this bhai thing, and after that, Sanju started calling me Bhaijaan, and then Bhaij, and then it got stuck on. But it is also really good, but it's also really bad. Nawaz, there are a lot of girls who are protesting that this film is called Bhaijaan. They don't want to call Salman Bhaijaan. They should. Nawaz, इतना easily as bhai में accept मत कर लो the women. नवाज जब हम बदलापुर के टाइम पे मिले थे तब आपने कहा था बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट ने आपको पागल कर दिया था और आपके कैरेक्टर बहुत ही सही है तभी आपने कहा था आप ज्यादा बोल नहीं सकते कैरेक्टर के बारे में तो अभी आपके कैरेक्टर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं अभी इतना बता सकता हूँ कि मेरा फिल्म में जो कैरेक्टर है वो रिपोर्टर का है पाकिस्तानी रिपोर्टर का आपने कहा Okay, that, guys, that's it. We're going to close the questions because it's just going all over the place. The one, Nawaz.